बस शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपना 12 मेंबर स्क्वाड फर्स्ट ओडीआई के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अनाउंस कर दिया है। ये पूरी की पूरी ओडीआई सीरीज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी और जो फर्स्ट ओडीआई है वो कल 2:30 PM दोपहर को खेला जाएगा। और 12 आप इसको 12 प्लेयर्स भी बोल सकते हैं जो मैच में खेलेंगे, नहीं 12 की 12 भी नहीं खेलेंगे। आप लोगों को तो पता है कि प्लेइंग 11 होती है, 11 प्लेयर्स खेलते हैं, तो उसमें से 11 प्लेयर्स खेलेंगे और कोई ना कोई एक प्लेयर नहीं खेलेगा। तो और उसको जो 12 मैन होगा वो 12 मैन एज अ इंजरी के लिए होगा, एज अ बैकअप के लिए होगा, खुदा ना खास्ता अगर किसी को इंजरी हो गई तो वो 12 मैन आ सके। तो 2 कंडीशंस हैं इनके पास कि सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक खेलेगा तो जायद महमूद और उस्मान कादिर, जाहिर सी बात है ये दोनों ही खेलेंगे। और अगर सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद दोनों ही खेलते हैं, जैसे नंबर 5 पे आप सऊद शकील को खिला लेंगे और नंबर 6 पर इफ्तिखार अहमद को, और अगर और फिर ऐसा होगा कि उस्मान कादिर, जाहिद महमूद, इन दोनों में से कोई एक आपको लेना होगा प्लेइंग 11 में, कोई एक ना एक लेना होगा। तो ये इन पर है, ये जो भी डिसाइड करें। इनको अगर सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद दोनों को चांस देना तो उन दोनों को खिला लें, अगर इनको दोनों उन दोनों बॉलर्स को चांस देना तो वो दोनों को खिला लेंगे, वो इन पर है ये। लेकिन ये थोड़ी कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे पहले मैं आपको 12 मेंबर के स्क्वाड पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 1 फखर जमान, नंबर 2 इमामुल हक, नंबर 3 बाबर आजम, नंबर 4 मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 सऊद शकील, नंबर 6 इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 शदाब खान वाइस कैप्टन, नंबर 8 हसन अली, नंबर 9 शाहिन शाह अफरीदी, नंबर 10 उस्मान कादिर, नंबर 11 हारिस रऊफ एंड नंबर 12 उस्मान कादिर। ये है 12 मेंबर का स्क्वाड और इन 12 मेंबर के स्क्वाड में से 11 प्लेयर्स खेलेंगे। लेकिन ये मुझे बड़ा दुख हुआ है और मैं इस बात से पीसीबी के खफा हूँ कि आपको हारिस रऊफ की जगह शाहनवाज जहानी को चांस देना चाहिए था, क्योंकि शाहनवाज जहानी यंगस्टर है और हारिस रऊफ को आपको अभी ओडीआई में नहीं खिलाना चाहिए बहुत, क्योंकि अभी वो T20 में तक वो अच्छे बॉलर नहीं बन पाए, ना आपने ना उन्होंने आपको T20 में कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। हाँ लेकिन एक दो मैच में वो अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं T20 में, वो भी पिछले साल पहले की बात है, 2020 की बात है वो, और वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब 2021 में इनकी जीरो परफॉर्मेंस है, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, ना टैलेंट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। पेस आता है लेकिन पेस को अच्छी तरीके से वो यूज़ नहीं करते, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हारिस रऊफ को, थोड़ी सी बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हारिस रऊफ को ODI में भी आना है तो आप पहले इसको इनको T20 में तो ग्रूम कर ले, फिर आप ODI में रख लीजिएगा। बस आपने डायरेक्ट ही उनको T20 में भी रख लिया, ODI में भी रख लिया, आपने टेस्ट को भी स्क्वाड में उनको रख रहे हैं, ऐसा नहीं करें। पहले उनको एक चीज़ में ग्रूम करते हैं, अगर एक साथ पे बर्डन डालेंगे तो वो एक साथ में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों अलग क्रिकेट है, T20 अलग है, ODI अलग है, टेस्ट अलग है, तीनों में ज़मीन आसमान का फर्क है, तीनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, तीनों के तीनों डिफरेंट है। इसलिए आपको सिर्फ उनको T20 में अभी चांस दें। और शाहनवाज जहानी को तो आपने एक भी इंटरनेशनल मैच में नहीं चांस दिया, आपने उनको टेस्ट स्क्वाड में रख लिया, ODI में भी रखा है, उनको चांस ही नहीं दिया आपने। हो सकता है अगले सीरीज़ में अगर हारिस रऊफ को बहुत ही वो ज़्यादा रन्स देते हैं तो फिर हो सकता है उनको बाहर बिठा दें और उनको नहीं खिलाएं। और लेकिन आप लोगों को शाहनवाज जहानी को ही खिलाना चाहिए था, या फिर कोई और सा आप ऑप्शन आप कर लेते हैं, मोहम्मद हसनैन को खिला लेते हैं आप, यही फिर आप हारिस रऊफ को खिलाए जाते हैं, क्योंकि उनकी ना परफॉर्मेंस होती है, कुछ भी नहीं होती। और ये था 12 मेंबर का स्क्वाड मेरा, और इसमें से 11 प्लेयर्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 11 प्लेयर्स ही खेलेंगे। आप लोग ये नहीं समझेगा कि 12 प्लेयर्स खेलेंगे, इससे वो सिर्फ 11 प्लेयर्स ही इसमें से खेलेंगे। और सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद पे फिर बात कर लेते हैं। सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद दोनों को खिलाना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार अहमद को नंबर 6 के प्लेयर पे खिलाना चाहिए, क्योंकि वो T20 में नंबर 5 पे खेलते हैं और अब वो ODI में नंबर 6 पर उनको घूम करना चाहिए, थोड़े और इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा और अच्छा खेलेंगे, परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो फिर थोड़ी इनके और हो सकता है, ये T20 स्क्वाड में भी वापस लाएं इनको, वर्ल्ड कप के कुछ भी हो सकता है, 10 अक्टूबर की डेडलाइन है। और फखर जमान ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई तो कन्फर्म ही T20 वर्ल्ड कप में आ जाएंगे। और सऊद शकील को भी थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को गियर अप करनी होगी, थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस गियर अप करनी होगी उनको,
को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, अच्छे मूव में नजर आना होगा। और सऊद शकील का तो वैसे ही बोल रहे हैं कि मैं तो अच्छा खेलूंगा ही, और उस्मान कादर जाहिद महमूद इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ज़्यादा चांसेस उस्मान कादर के हैं। और फिर बात कर लेते हैं टॉम ब्लंडल की, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, वो अब बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अभी तो टॉम लैथम ही कर रहे थे लेकिन एज अ बैकअप विकेट कीपर स्क्वाड में खेल रहे थे, वो अब स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। इसकी वजह ये है कि इनको इंजरी हो गई है, स्ट्रेन इंजरी हो गई है इनको, और इनका रिहैब अभी होगा, फिर रिहैब जब होगा तो फिर ये टीम में नहीं वापस आ सकते, क्योंकि इनको बहुत सारे 4 वीक्स तकरीबन इनको चाहिए रिहैब के लिए, रिहैबिलेशन के लिए, और वो बाहर हो चुके हैं। और उनकी जगह डैरल मिचेल को लिया, डैरल मिचेल अच्छे बैट्समैन है, अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छे प्लेयर है। डैरल मिचेल भी यंगस्टर है, उनको भी चांस देना चाहिए, लेकिन टॉम ब्लंडल के फैंस के लिए ये बहुत ही बैड न्यूज़ है, और टॉम ब्लंडल के लिए भी वो खुद बहुत ही बुरी और बहुत ही बैड न्यूज़ है। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स और क्रिकेट के शौकीन के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।